अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेट्रोल पंप नाजमाबाद के स्टॉप पे। और यहाँ पे तकरीबन ये आज चौथा दिन है जो गटर का पानी इस तरह यहाँ पे बह रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले अफराद को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं पूरी ट्रैफिक जाम हो रही है। और ये गटर उबलते हुए आज ये चौथा दिन है। मैं आपको गटर भी दिखाता हूँ ये किस तरह, ये मेन शराब पे गटर उबल रहा है। आप जैसा कि आप दोस्तों को पता है, इस तरफ जाएंगे तो हबीब बैंक चौरंगी है, हबीब बैंक है, और इंडस्ट्रियल एरिया इस तरफ जाएंगे तो नागन वगैरह है, और ये रोड सदर को जा रहा है। काफ़ी कराची का ये अहम शराह है, उसके होते हुए यहाँ पे इस तरह गटर उबल रहा है। और यह चौथा दिन है और इसको देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है, और काफ़ी बुरा हाल है इस सड़क का। आप ये देख सकते हैं ये मेन शराब है किस तरह ट्रैफिक जाम है। आपको मैं दिखाता हूँ गटर की भी सूरत हाल। तो दोस्तों, ये आपको सामने ये उबलता हुआ गटर नज़र आ रहा होगा, और ये उबलते हुए आज इस गटर को, ये चौथा दिन है जो कि बिल्कुल इसी तरह इसका सूरत हाल है। ये इसी तरह उबल रहा है पूरा गटर, ये जाम हुआ हुआ है। और यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है मुझे। और ये आप इधर से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी गटर का पानी ये बहता हुआ आ रहा है। तो ये आला हुकाम से और मेयर कराची से भी मेरी दरख्वास्त है कि इस मसले को देखा जाए और जल्द से जल्द इसका हल कराया जाए, क्योंकि यहाँ से आप ये देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रही है और काफ़ी लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है इस गटर की वजह से। ये देखें आप। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ आप दोस्तों से मैं इजाज़त चाहता हूँ, नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।